हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे आने वाले न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में, कि इस कोर्स के अंदर मैं क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ, क्या क्या आप इस कोर्स से सीख सकते हैं अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल कर सकते हैं। कंटेंट और आप क्या क्या सीखेंगे उसके लिए इस वीडियो को आप आगे ज़रूर देखें। तो पहली जो चीज़ हम कवर करेंगे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में वो होगा नेचर ऑफ अ पर्सन। किस तरीके से आप जज करेंगे कि किसी इंसान का नेचर कैसा है, वो डिप्रेसिंग है, सेंटिमेंटल है और इमोशनल है, कॉन्फिडेंट है, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। तो बेसिकली इसमें हम नेचर क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे जानेंगे कि किस तरीके से हमें किसी इंसान को डील करना चाहिए। सपोज़ आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उनके अंदर आप देखेंगे कि नंबर, मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है काफ़ी बार कि उनके अंदर मल्टीपल टू है उनके न्यूमरोलॉजी ग्रिड में जो हम पढ़ेंगे, और उनको डील करना है किसी ऐसे इंसान के साथ जिसकी लीडरशिप क्वालिटी ज़बरदस्त है, जिसका एक सिंगल वन है या फिर जिसकी डेस्टिनी वन है। तो वो किस तरीके से देखा जाए वो हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में समझेंगे नेचर ऑफ अ पर्सन वाले के बारे में। तो जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा जो हम इस न्यूमरोलॉजी सेशन में कवर करेंगे वो होगा कैरियर ऑफ अ पर्सन। इस न्यूमरोलॉजी कोर्स के कैरियर सेक्शन में हम जानेंगे कि किसी का मेजर राइजिंग पीरियड क्या होगा, उसका फॉलिंग पीरियड क्या होगा, कब प्रमोशन मिलेगा, कब डिमोशन होगा, कैरियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, किस चीज़ से रिलेटेड वो हो सकती हैं प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ हम इस सेक्शन में जानेंगे। साथ ही अगर कोई हमसे ये पूछता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए, उस चीज़ का आंसर इस प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी से बहुत आसानी से मिल जाएगा। हम पिन पॉइंट कर पाएंगे कि इस ड्यूरेशन में आपको फिनेंशियल गेन होगा, इस ड्यूरेशन में आपको फिनेंशियल लॉसेस होंगे। और बाकी टॉपिक्स जो हमने इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में कवर किए हैं वो हैं ट्रैवल्स से रिलेटेड। सब बहुत लोगों का सवाल आता है कि मुझे फॉरेन जाके जॉब करनी है, फॉरेन में सेटलमेंट होगा, पीआर लगेगा, वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं न्यूमरोलॉजी से बहुत एक्यूरेट प्रडिक्शन निकलती है। उसके बाद हेल्थ में, हेल्थ अच्छी रहेगी या मतलब कुछ प्रॉब्लम आएगी, देखिए बहुत मेजर इस चीज़ में हम हेल्थ में पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे कि बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हाँ हम इतना ज़रूर प्रिडिक्ट कर देंगे कि आपको संभल के रहना होगा, आपको इन इन चीज़ों से दूर रहना होगा, ये हो सकता है इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा प्रॉपर्टी परचेज या व्हीकल परचेज, लोगों का सवाल होता है कि क्या हम अपना घर बना पाएंगे, किस ड्यूरेशन में बना पाएंगे, इसमें हम ज़रूर हेल्प लेंगे एस्ट्रोलॉजी की और कंबाइन करके बताएंगे कि कब प्रॉपर्टी परचेज की जा सकती है, कब व्हीकल परचेज होगा, फिनेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, लाइफ में पैसे का फ्लो कैसा होगा, इनकम कैसी होगी, ये हम इस प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कोर्स में जानेंगे। साथ साथ लिटिगेशन अगर कोई है आपके, उसमें लिटिगेशन क्या क्या हो सकता है ये ज़रूर हम जानेंगे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स की हेल्प से। दूसरा बहुत सारे लोगों का ये, वैसे कैरियर में ही हम कवर कर लेंगे, क्वेश्चन आता है कि क्या मेरी जॉब, मेरी जो जॉब है यहाँ से मुझे ट्रांसफ़र मिलेगा नहीं मिलेगा, तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम ये भी बता देंगे कि आपको आपके घर की तरफ ट्रांसफ़र मिलेगा, आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे इस न्यूमरोलॉजी कोर्स में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ एक एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो इन दोनों को क्लब करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हासिल किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।